हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं बहुत ही चटपटा नाश्ता वेजिटेबल्स का। और ये मैंने 2 चम्मच जो है मैदा लिया है, उसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। ये नगेट जो मैं बना रही हूँ गाइस, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। हमें जो इस घोल को है बिल्कुल पतला रखना है। देखिए गाइस, ये जो है हमारा मैदा है बिल्कुल पतला हो चुका है। अब बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें जो है नमक जाएगा 1 चम्मच, और मैं इसे अब साइड में रखूँगी। एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैंने ये थोड़े से मक्के के दाने हैं मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। एक कटोरी जो मैंने गोभी ली है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है, वो इसमें ऐड कर दूँगी। एक शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक काट ली है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। एक प्याज है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। और जो 2 आलू लिए हैं मैंने, ये इसमें तोड़ के डाल के डाल दूँगी। अब इसमें कोई सी भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए गाइस, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये एक हरी मिर्च है, ये इसमें डाल दूँगी। अदरक और लहसुन है मेरे पास, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने दरदरा कूट लिया है काली मिर्च को। तो जो है मैं गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगी। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ठीक है गाइज, ये मैंने ब्रेड क्रम लिया है, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। और अब हमारा ये जो है तैयार हो चुका है। एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और एक तरफ जो है मैं ये बना रही हूँ। आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपका दिल करे। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। देखिए गाइस, मैंने ये सारे बना के रख लिए हैं। अब मैं एक लूंगी, और जब भी आप इसमें डालें डिप करके, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें डिप करके ब्रेड क्रम में अच्छे से फोल्ड करके और इसमें डाल दूँगी। फिर से एक लूँगी, अच्छे से डिप करके ब्रेड क्रम्स में करके। और जो हमारा तेल है गाइस, तेल जो है हमारा बिल्कुल मीडियम रखना है, वरना ये अंदर से पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। ठीक है, इस हमारे जो नट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए, और ये अंदर से देखिए कितने सही बने हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए।